और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, फिल्म आई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और फिल्मों के प्रचार का पुराना रिश्ता है। और गजब संयोग भी देखिए, जब जब देश के किसी राज्यों में चुनाव होते हैं तो मोदी के चाहने वाले डायरेक्टर की फिल्म रिलीज हो जाती है। हाँ, अब वो अलग बात है फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाए। खैर, हम बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द वैक्सीन वॉर, जिसको दर्शकों ने ऐसा नकारा है कि अपनी लागत भी निकाल पाएंगे या नहीं पता नहीं। अब तो सिनेमाघरों ने भी इस मूवी को हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बुरी तरह फ्लॉप मूवी का प्रमोशन अब पीएम मोदी ने खुद अपने जिम्मे ले लिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के चुनावी सभा में द वैक्सीन वार मूवी के बारे में जनता के बीच क्या कहा, आप पहले मोदी जी का यह वीडियो देखिए। अब देखिए कितने बड़े गर्व की बात है कि भारत ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आप मुझे बताइए, वैक्सीन ने आपकी जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? आपका जीवन बचाया कि नहीं बचाया? करोड़ों लोगों की जान बची कि नहीं बची? अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर, वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया, उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात है, मोदी जी थोड़ा लेट हो गए इस मूवी के प्रचार करने में, इसलिए शायद ये मूवी सिनेमाघरों में भी पिट गई। आपकी क्या राय है, प्रधानमंत्री मोदी का रैलियों में मूवी का जिक्र करना कैसा है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।